मीडिया बंधुओं, आज मैंने बीएसपी के यूपी के सभी 18 मंडलों के मुख्य इंचार्जों तथा 75 जिलों के सभी जिलाध्यक्षों की ये इकट्ठा अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और आज की इस बैठक में प्रत्येक जिलावार व उसके अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा की सीटों की प्रदेश में अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव की पार्टी की तैयारी को लेकर सभी जरूरी पहलुओं पर गहन समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत सबसे पहले दिनांक 21 अक्टूबर से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा की सीट में पार्टी के सभी पोलिंग बूथों के पदाधिकारियों की चुनाव की तैयारी को लेकर चल रहे कैडर व सम्मेलनों आदि की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट में जिले की किसी भी विधानसभा की सीट में कमी मिलने पर फिर उसे दूर करने के लिए अब इन्हें केवल एक सप्ताह का ही समय दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर पार्टी की चुनावों की तैयारी को लेकर आज विस्तार से रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को तथा पार्टी के उम्मीदवारों को भी किन किन खास बातों का ध्यान रखना है तो उसके बारे में भी आज इनको जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी की कामयाबी के लिए अन्य और भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस संदर्भ में खासकर विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं तो उससे भी इनको सचेत किया जाएगा और उनके जवाब व तोड़ में पार्टी के लोगों को अभी से ही चुनाव होने तक क्या क्या जरूरी कदम उठाते रहना है तो उसके बारे में भी आज इनको काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। इसके बारे में भी आज की बैठक में इनको बताया जाएगा, जिसे फिर ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रदेश में जो भी विरोधी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन रही है और भाजपा अभी भी सत्ता में आसीन है तो इनकी सरकार की रही आम जन विरोधी नीतियों के बारे में बताने के साथ साथ बीएसपी सरकार की रही जनहितैषी नीतियों के बारे में भी पार्टी को प्रदेश की जनता को जरूर बताना है ताकि यहाँ फिर से सन 2007 की तरह ही पुनः अपनी पूर्ण बहुमत की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बन सके। वैसे इस मामले में आप लोगों को ये विदित है कि बीएसपी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त वातावरण पैदा करने के साथ साथ विशेषकर कमजोर वर्गों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों के लिए भी जो अनेकों ऐतिहासिक व अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तो उन्हें प्रदेश की जनता अभी तक भी भूली नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही पार्टी के लोगों को
इस चुनाव में वोट मांगना है, ये भी इनको बताया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मेरा ये भी कहना है कि यूपी की जनता ने आज़ादी के बाद यहाँ शुरू में काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी व बाद में सपा, बीजेपी एवं बीएसपी आदि का भी शासन काल देखा है, लेकिन इस मामले में प्रदेश की जनता अपनी पूरी ईमानदारी से ये बताए कि इन सभी पार्टियों के शासन काल में से किस पार्टी का हर मामले में व हर स्तर पर बेहतरीन शासन काल रहा है। ये मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ। तो फिर प्रदेश की आम जनता एवं दबी जुबान में विरोधी पार्टियों के लोग भी यही कहेंगे कि बीएसपी का ही बेहतरीन शासन काल रहा है। इसलिए प्रदेश की जनता को अब मेरा यही कहना है कि उन्हें अपने हित व कल्याण को ध्यान में रखकर वे इस चुनाव में किसी भी भावना में ना बह कर तथा इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के भी बहकावे में ना आकर बल्कि बीएसपी के ही रहे बेहतरीन शासन काल को फिर से यहाँ सत्ता में वापस लाना है, जिसकी इस समय प्रदेश की जनता को काफी सख्त जरूरत भी है। इसके अलावा बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज़्यादा दम हमें नज़र नहीं आता है, वरना फिर ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ आए दिन ताबड़तोड़ असंख्य घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि नहीं करती। साथ ही ये पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं व केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी अब यहाँ थोक में नहीं भेजती। इनके साथ साथ यूपी सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी एक एक जिले में फिर कई कई बार नहीं जाना पड़ता तथा ना ही इनको चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले यहाँ प्रदेश की जनता को व छात्रों आदि को भी किस्म किस्म के लालच आदि नहीं देने पड़ते। यदि यही स्थिति हमें काफी कुछ सपा व अन्य विरोधी पार्टियों के भी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये सब प्रदेश की जनता काफी अच्छी तरह से समझ रही है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी की जनता अब इनके किसी भी प्रलोभन व हथकंडे आदि के बहकावे में आसानी से आने वाली नहीं है, बल्कि इस बार बीएसपी ही जरूर सत्ता में आने वाली है। और इसका मुझे अपने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं व छोटे बड़े पदाधिकारियों आदि पर पूरा पूरा भरोसा भी है, जो मेरे दिशा निर्देशन में अपने अपने क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में उसके सभी पोलिंग बूथों के क्षेत्र में वहाँ के लोगों को हर मामले में चुनावी तौर पर जागरूक करने में लगे हैं। वैसे भी अब प्रदेश की जनता वास्तव में यहाँ परिवर्तन चाहती है और अब वह बीएसपी को इस सत्ता में लाने का अपना काफी कुछ मन बना चुकी है। इस उम्मीद व भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।